दोस्तों, अगर आपका किसी भी बैंक में जनधन योजना का जीरो बैलेंस खाता है तो आपके लिए 10,000 रुपए की राशि सीधे आपके बैंक अकाउंट में मिलने वाली है, वो भी बिल्कुल फ्री में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ये कौन सी योजना है, किस प्रकार से आपको ये लाभ मिलेगा, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, कहां पर किस प्रकार से फॉर्म भरना होता है, ऑनलाइन फॉर्म भरेगा या फिर ऑफलाइन भरना पड़ेगा, सारी जानकारी आपको मिलेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। नमस्कार, मेरा नाम मनीष प्रजापति, आप सभी का एक बार फिर से वेलकम एक न्यू वीडियो में। चैनल पर अगर आप पहली बार आए, सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक जरूर कर देना। गाइस, सबसे पहले आपको बता दें प्रधानमंत्री जनधन योजना के बारे में। सरकार द्वारा चलाई गई एक वित्तीय समावेशन की ऐसी योजना है जिसके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति अपना एक जीरो बैलेंस बैंक अकाउंट किसी बैंक में खुलवा सकता है। और इस योजना को इसलिए लॉन्च किया गया था क्योंकि बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्र में कुछ लोग हैं जो कि अपना मिनिमम बैलेंस अकाउंट में मेंटेन बना के नहीं चल सकते। इसलिए इस योजना को 15 अगस्त 2014 में लॉन्च किया गया था और यह सरकार की योजना बहुत ही सक्सेस रही। इसमें लाखों करोड़ों लोगों ने अपने अकाउंट खोले और सरकार की तरफ से इस योजना में गरीब लोगों के लिए बहुत सारे लाभ दिए जाते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पात्रता की कि कौन कौन से लोग इस योजना में 10,000 रुपए लेने के लिए पात्र हैं। तो सबसे पहले आपके पास किसी भी बैंक में जनधन योजना का एक खाता होना चाहिए। आजकल जनधन योजना का खाता आप किसी बैंक में ओपन करा सकते हैं। हाँ, ये बात जरूर है कि बहुत सारी प्राइवेट या सरकारी बैंकें आजकल आपका जनधन योजना का खाता नहीं खोलती हैं। तो आपको किसी क्यूज सेंटर पे जाना है, वहां पर आपका खाता खुल जाएगा। अगर पहले से खाता है तो बहुत बढ़िया बात है। दूसरी एलिजिबिलिटी यहां पर आपकी ये है कि आपका खाता चालू होना चाहिए। बहुत सारे लोग खाते को खुलवा के छोड़ देते हैं, उसके बाद साल दो साल तक उसको देखते भी नहीं है, तो ऐसे में खाता आपका इनएक्टिव हो जाता है, तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। आपको अपने खाते को प्रॉपर चालू रखना है। अगर आपका खाता चालू नहीं है तो ब्रांच में जाके उसको चालू करवा लेना है, इनएक्टिव या फिर होल्ड या फिर टर्मिनेट है तो उसको सही करा लेना है। इस योजना के अंतर्गत पूरे परिवार में एक व्यक्ति को ही लाभ दिया जाएगा। जैसे किसी परिवार में हस्बैंड वाइफ है और दोनों का खाता जनधन योजना का खाता है, तो ऐसे में महिला के लिए प्राथमिकता दी जाएगी, पैसा महिला के लिए मिलेगा। अगर किसी परिवार में महिला नहीं है तो उस परिवार के व्यक्ति को भी यह लाभ मिल सकता है। और यहां पर आपके लिए 2,000 रुपए से लेकर के 10,000 रुपए की राशि आपके बैंक खाते में दी जाएगी। ये आपकी एलिजिबिलिटी के ऊपर डिपेंड करेगी। एक बात का यहां पर और ध्यान रखना है कि आपके अकाउंट से आधार कार्ड लिंक होना अनिवार्य है। अगर आधार कार्ड लिंक नहीं है तो आप अपनी ब्रांच से आधार कार्ड लिंक करा सकते हैं। तो प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत 10,000 रुपए लेने के लिए आपकी ये कुछ पात्रता है, इनको आपको ध्यान रखना है। जनधन खाते पर आपके लिए 10,000 रुपए मिलता है, ये मिलता है ओडी के माध्यम से। बैंक में ओडी की एक फैसिलिटी होती है जिसे हम ओवरड्राफ्ट लिमिट बोलते हैं और ये आपके लिए जनधन खाते पर दी जाती है सरकार की तरफ से। यहां पर आप लोग देखते हैं, अभी मैं प्रधानमंत्री जनधन योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर हूं और यहां पर आप लोग देख सकते हैं लिखा हुआ है वन ओवरड्राफ्ट ओडी फैसिलिटी अप टू 10,000 रुपए टू एलिजिबल अकाउंट होल्डर इज अवेलेबल। यानी कि जनधन योजना के जीरो बैलेंस खाते पर आपके लिए फैसिलिटी दी जाती है। अब इस फैसिलिटी को लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपल सा, यहां पर आपको अपनी ब्रांच में जाना है। आपके पास जिस भी बैंक का खाता है, आपका खाता मान लो SBI में है, बैंक ऑफ बड़ौदा में है, केनरा बैंक में है, किसी बैंक में, तो आपको अपने उस ब्रांच में जाना है। या आपका खाता अगर प्राइवेट बैंक में है तो आपको अपने प्राइवेट बैंक में जाना है और आपको ब्रांच में जाकर के PMJDY OD फॉर्म मांगना है और उस फॉर्म को अच्छे से भरना है। यह फॉर्म अलग अलग ब्रांच का अलग अलग रहेगा, आपको अपनी ब्रांच से ही ओडी का फॉर्म मिल जाएगा। फॉर्म भर करके आपको अपने उस फॉर्म के साथ में बैंक का पासबुक का फोटो कॉपी लगा देना है, अपने आधार कार्ड का फोटो कॉपी लगा देना है और पैन कार्ड का फोटो कॉपी लगा देना है और आपको अपनी ब्रांच में जमा कर देना है। ब्रांच आपके अकाउंट के हिसाब से आपकी एलिजिबिलिटी चेक करेगी और आपके लिए अधिकतम 10,000 रुपए तक की ओवरड्राफ्ट की लिमिट आपके खाते पर एक्टिव कर देगी। मतलब आपके खाते में 10,000 रुपए आ जाएगा। आपका खाता अगर जीरो बैलेंस भी होगा उस समय तो भी आपके खाते में 10,000 रुपए आपको दिखेगा और आप उस पैसे को निकाल सकते हो, ATM से निकाल सकते हो, बैंक से विड्रॉल कर सकते हो, किसी माध्यम से यूज कर सकते हो। और यह पैसा अगर आपको एक बार मिल गया तो यह पैसा हमेशा के लिए आपके खाते में ही रहेगा। लेकिन इसकी कुछ कंडीशन होती है, जैसे कि आपको जो पैसा यहां पर मिला है ये एक महीने में आपको बैंक को वापस करना होता है। मतलब 10,000 रुपए जैसे एग्जांपल के लिए आपको मिल गया, अब ये पैसा आपको एक महीने के लिए फ्री मिला है बैंक से, एक महीने के अंदर आपको वापस करना है। अगर आप एक महीने के अंदर वापस कर देंगे तो बैंक आपसे कोई भी ब्याज या चार्ज नहीं लेगी। लेकिन अगर आप एक महीने से अधिक का टाइम कर देते हैं और बैंक को वापस नहीं करते हैं तो यहां पर बैंक आपसे 1% प्रति महीने का ब्याज लेगी। तो आपको इस पैसे को समय पर बैंक को वापस कर देना है और इसके बाद अगले महीने फिर निकाल लेना। इसी प्रकार से आप अपने जीरो बैलेंस खाते पर हर महीने 10,000 रुपए तक का बिल्कुल फ्री में लाभ ले सकते हैं।
वैसे ही ओडी की लिमिट आपके बहुत काम की होती है। मान लो आपको कोई छोटा मोटा बिजनेस है और आपके लिए सामान मंगाना है कहीं से और आपके पास पैसा नहीं है बैंक में, तो आप ओडी की लिमिट से पैसे को खर्च करके सामान मंगा सकते हैं। इसके बाद जब आपके पास पैसा आ जाएगा तो आप बैंक का पैसा वापस कर सकते हैं। इस प्रकार से ओडी की लिमिट का बहुत बेनिफिट होता है आपके लिए। अगर कहीं पर भी कभी इमरजेंसी में पैसे की आवश्यकता पड़ती है और आपके बैंक खाते में अगर पैसा नहीं है तो ओडी की लिमिट का इस्तेमाल कर सकते हैं और आप अपना काम चला सकते हैं। इस जीरो बैलेंस खाते पर बैंक आपके लिए 2000 रुपए से लेकर के 10000 रुपए के बीच में एक ओडी की लिमिट देती है। यह आपकी पूरी एलिजिबिलिटी को डिपेंड करता है कि आप कितना अपने अकाउंट में मिनिमम बैलेंस रखते हैं, कितना आपके अकाउंट में पैसा पड़ा रहता है, कितने ट्रांजेक्शन करते हैं, किस प्रकार से आपका मैनेजमेंट है। सारा सारा बैंक अपना रिस्क देख करके आपके लिए एक फिक्स लिमिट इशू कर देता है। जरूरी नहीं है कि आपके लिए पूरा 10000 रुपए मिल जाए, आपकी एलिजिबिलिटी के हिसाब से किसी को 5000, किसी को 2000, किसी को 7000, किसी को 10000, इस प्रकार से आपका अमाउंट आपके लिए यहां पर मिल सकता है। और हो सकता है कि आपकी एलिजिबिलिटी को देखते हुए बैंक इसको रिजेक्ट भी कर सकता है। अब बहुत सारे लोग वीडियो के डिस्कशन में कमेंट करेंगे कि भाई साहब हमारे लिए तो ये ओडी की लिमिट मिलती ही नहीं है, इसके पीछे का क्या कारण है। तो इसके पीछे का सिंपल सा कारण है कि आप अपने खाते को मैनेज नहीं करते। बहुत सारे लोगों को लगता है कि जीरो बैलेंस खाता है इसका मतलब कि इसमें 1 भी रुपए नहीं डालना है। ये बात बिल्कुल सत्य है कि जीरो बैलेंस खाता है अगर आप 1 भी रुपए नहीं रखोगे तो बैंक कोई चार्ज यहां पर आपका नहीं काटेगी। लेकिन आपको साथ में यह भी देखना है कि अगर आप इसमें पैसा नहीं रखोगे तो बैंक वाला आपके लिए कैसे ओडी की लिमिट दे सकता है, क्योंकि आपके अकाउंट में अगर पैसा ही नहीं है और बैंक ने अगर ओडी की लिमिट आपको दे दी तो क्या गारंटी है कि आप उस बैंक का पैसा वापस कर देंगे। इसलिए बैंक को डर होता है और आपके लिए ओडी की लिमिट नहीं मिल पाती अधिकांश लोगों की, इसलिए ओडी की एप्लीकेशन बैंक में रिजेक्ट हो जाती है। आपको अपने अकाउंट में थोड़ा बहुत मैनेज करना है बैलेंस, उसमें बैलेंस रखना है, ट्रांजेक्शन करना है, अपने अकाउंट को यूज करना है। जीरो बैलेंस अकाउंट इसलिए बैंक आपके लिए देता है ताकि अगर कल के दिन कुछ भी इमरजेंसी में अपना पैसा निकालने बैंक से तो उसमें कोई भी आपका चार्ज ना लगे। लेकिन अधिकांश लोग यहाँ पर यह समझते हैं कि जीरो बैलेंस का मतलब कहीं से कोई पैसा आया तुरंत उस खाते से निकाल लेना चाहिए, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो आपको इस प्रकार से एक बार चेक कर लेना है अपनी बैंक में जाकर के ओडी का फॉर्म भर के। अगर आप एलिजिबल हुए तो आपके लिए जरूर यहाँ पर 2000 रुपए से लेकर के 10000 रुपए के बीच में एक ओवरड्राफ्ट की लिमिट मिल सकती है और आप कभी भी पैसा ना होने की स्थिति में इस लिमिट का इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे यहाँ पर देखा जाए तो ये ओडी की लिमिट बिल्कुल लोन की तरह काम करती है, लेकिन लोन से ये बिल्कुल अलग है, क्योंकि लोन जब आप बैंक से लेते हैं तो उस पर आपका इंटरेस्ट पहले दिन से ही स्टार्ट हो जाता है, लेकिन ओडी में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। यहाँ पर आपके लिए 1 महीने का टाइम मिलता है बिल्कुल फ्री में, आप अपनी लिमिट को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मान लो एग्जाम्पल के लिए किसी बैंक ने आपके लिए 10000 रुपए की लिमिट इशू कर दी। अब यहाँ पर आप 10000 रुपए की लिमिट को हर महीने इस्तेमाल करते हैं और टाइमली बैंक को वापस कर देते हैं। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो पूरे 1 साल के अंदर आप 1,20,000 रुपए का बिल्कुल फ्री में इस्तेमाल कर पाएंगे। तो इस प्रकार से आप प्रधानमंत्री जनधन योजना के खाते पर 10,000 रुपए के ओवरड्राफ्ट का लाभ ले सकते हैं। आपके लिए कभी इस योजना का लाभ मिला है अपनी बैंक से या नहीं, हमें कमेंट कर देना। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।